हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल विकी सिन्हा ब्लॉग्स में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन जो सीएनजी लॉन्च की है उसके कुछ वेरिएंट्स के बारे में और कुछ ऐसे फीचर जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है दूसरे सीएनजी कार्स के मुकाबले। तो अगर आप इससे पहले अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टाटा नेक्सॉन सीएनजी में टोटल आपको 8 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि इसका जो पहला वेरिएंट है स्मार्ट ओ, सेकंड आ जाता है स्मार्ट प्लस, तीसरा जो है वो स्मार्ट प्लस एस एस, मतलब कि आपको सनरूफ भी मिल जाता है सीएनजी में। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो आपको प्योर मिल जाता है, देन उसके बाद प्योर एस, फिर उसके बाद मिलता है क्रिएटिव, देन क्रिएटिव प्लस, और सबसे इसका जो टॉप एंड मॉडल है वो है इसका फियरलेस प्लस एस। तो इसके अगर मैं कुछ ऐसे फीचर्स की बात बताऊँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग मिलते हैं, तो इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है फुल्ली टच, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मतलब फीस लगेगा, काफ़ी लग्जरियस फील आएगी। वही अगर मैं बात कर लूँ इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटली आपको देखने को मिल जाता है। इसके कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरे कारों में नहीं देखने को मिलते इस सेगमेंट में, इसमें आपको मिल जाएगा 360 डिग्री कैमरा, 8 स्पीकर विद ट्यूटर्स मिलेगा आपको। सेकेंडली इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हॉट में काफ़ी ज़्यादा आराम लगता है। वही इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ भी दे दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो सनरूफ के चाहते हैं वो उनके लिए पैनारोमिक सनरूफ भी दे दी गई है। तो इसकी अगर मैं अब बात कर लूँ इंजन स्पेसिफिकेशन की कि मतलब सीएनजी भी लग गया उसके बाद क्या पावर मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो टाटा ने वही इंजन इंट्रोड्यूस करा है जो कि पेट्रोल में आती थी, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल जी। ये मतलब इंडिया की पहली गाड़ी है जो कि टर्बो में आपको सीएनजी दे रही है, वो भी कंपनी फिटेड, वो भी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ जो कि टाटा ने इंट्रोड्यूस करा था अपनी पंच और अल्ट्रोस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुई थी जिसके कारण इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो इसका अगर मैं बात कर लूँ इसकी पावर की तो इसमें आपको टोटल पावर 99 BHP मिल जाता है 170 न्यूटोमीटर टॉर्क के साथ। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक टाटा ने निकाल रखी है, वो आपको टिगोर और टियागो में ही देखने को मिलेगा, ओनली ऑटोमेटिक इसका जो वेरियंट है। आपको दो सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं सीएनजी के, जिसमें आपको टोटल जो गैस है वो करीबन 12-13 किलो आपके आसपास आ जाएगी। वहीं इसकी जो मैं बात कर लूँ जो बूट स्पेस है वो आपको 321 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसकी जो राइवल है वो आपको मिल जाती है ब्रेजा सीएनजी, टोयोटा की या फिर कह लो आप मारुति की ही जो सब बहन है जो भी, वो टाइजर सीएनजी, देन उसके बाद मारुति की ही आपको फ्रॉन्क सीएनजी इसकी जो है वो डायरेक्ट इसकी राइवल है। वहीं अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात कर लूँ तो प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है, इसकी जो प्राइस है वो शुरू हो जाती है इसका बेस मॉडल एक्स शोरूम 8.99 लाख से शुरू होकर इसका टॉप एंड मॉडल जाता है एक्स शोरूम 14.59 लाख तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी सेफ्टी भी मिल जाती है, इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कॉम्पिटेटिव रखी गई है टाटा ने, और मतलब कि टाटा की जो हर चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आ रही है। तो ये थी मेरी वीडियो, वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।